बिहार में इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए राजनीतिक दलों ने चुनावी पत्ता फेंकना शुरू कर दिया है। चुनाव के सुगबुगाहट के बीच मुद्दों की तलाश और वार पलटवार का दौर चालू हो गया है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव कोरोना का मुद्दा बना सीएम नीतीश कुमार पर अटैक कर रहे हैं। तेजस्वी यादव ने आज फिर से एक पोस्टर जारी करके सीएम नीतीश कुमार पर बड़ा हमला किया है। तेजस्वी यादव ने कहा कि कोरोना संकट में नीतीश कुमार 91 दिनों से घर में बंद है। बिहार की बदहाल स्थिति पर वे 2 महीनों से सरकार को सलाह दे रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार को सलाह से कोई मतलब नहीं है। उनको बिहार की जनता से भी कोई मतलब नहीं है, बल्कि कुर्सी के लिए वे चिंतित हैं। सीएम नीतीश का ध्यान सिर्फ चुनाव पर है। तेजस्वी यादव ने आज आरजेडी दफ्तर में पब्लिक कॉन्फ्रेंस करके फिर से सीएम नीतीश पर अटैक किया। तेजस्वी यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री जी, बताइए कि आपका ध्यान सिर्फ चुनाव पर है, जिसमें कोरोना का लक्षण पाया गया है, उसकी भी जांच नहीं की गई। नीतीश जी, आप पूरी तरह से फेल रहे हैं। तेजस्वी ने कहा कि 30 लाख लोग दूसरे प्रदेश से वापस आए हैं, क्या इनकी जाँच हो पाई है? इनका जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? इसके साथ ही तेजस्वी ने पूछा कि 30 लाख लोगों में कितने लोगों का मैपिंग किया गया रोजगार देने के लिए। तेजस्वी यादव ने कहा कि आज से 9 दिन बाद भी अगर सीएम बाहर नहीं निकले तो पूरे 100 दिन हो जाएंगे, और सीएम के 100 दिन तक घर में रहने को लेकर राजद गांव-गांव में ढोल पीटेगी। तेजस्वी यादव ने यह भी चेताया कि जनता को सड़क पर निकलने के लिए छोड़कर खुद घर में बंद हैं नीतीश कुमार। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि मुख्यमंत्री जी, NMCH और PMCH जाइए, आपके आवास से कुछ ही दूरी पर है, जाकर देखिए क्या व्यवस्था है, क्या आप लोग लाशों के ढेर पर चुनाव कराएंगे? तेजस्वी यादव ने कहा कि आलिशान मकान में बैठकर देखने पर तो सब कुछ गुलजार ही दिखेगा, कोरोना जांच हो भी रहा है या नहीं, इस पर भी संदेह है। तो इन तमाम मुद्दों पर तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार को घेरने की कोशिश की है, और साथ ही उन्होंने कहा कि एक चेतावनी भी दी कि अगर 9 दिन बाद भी नीतीश कुमार घर से बाहर निकल करके लोगों का हालचाल नहीं जानते हैं तो गांव-गांव में ढोल पिटवा कर इनकी नाकामी को दिखाया जाए। क्या कुछ कह रहे हैं तेजस्वी यादव, आइए देखते हैं रिपोर्ट में। वो पोस्टर जो है बिहार के हर एक जिले में हर एक ब्लॉक में लगाया जाए। आज 91 डे और अब तक जो है वो 4 दीवारी से बाहर नहीं निकले। सरकार का ध्यान कोरोना बीमारी जो महामारी है, जो तेजी से फैल रहा है, लगातार जो आंकड़ा जो है इसमें वृद्धि हो रही है, इसको लेकर के पूरा कोई ध्यान ही नहीं है सरकार का। सरकार का ध्यान जो है चुनाव की स्थिति को देखने में लगा हुआ है। सरकार चुनाव पे ज्यादा ध्यान दे रही है, और जो गरीब है, जो मजदूर है, या बिहार का जो नागरिक है, जिस हिसाब से ये महामारी और फैलता जा रहा है, इसको रोकने के लिए कोई उपाय नहीं लगा रहा। पूरी तरीके से भगवान के भरोसे छोड़ दिया गया है। 90 दिन हो जाने के बाद भी मुख्यमंत्री जो है अपने 4 दीवारी से बाहर नहीं निकले। आप देखिएगा, क्या मुख्यमंत्री जी नहीं जानते कि 12.5 करोड़ के आबादी में इनका जो 100 दिन का जो जांच है, जो 100 दिन का जो जांच है, लगभग 1,23,000 ही मात्र जांच हो पाई है। 1,23,000 ही जांच हो पाया, यानी देश में अगर कोई राज्य सबसे धीमी गति से अगर जांच कर रहा है तो वो बिहार प्रदेश है। क्या मुख्यमंत्री जी बताएंगे इसकी वजह क्या है? क्या आपका ध्यान पूरी तरीके से चुनाव में है? जो आपदा की स्थिति आई हुई है, इसको रोकना क्या मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी थी? और तथाकथित जो कागजी पे जो उन्होंने स्क्रीनिंग किया, लगभग बिहार सरकार का जो आंकड़ा है 10 करोड़ का, 10 करोड़ के आंकड़े में 4 लाख जो है जिसके लक्षण पाए गए, क्या उनका कोई जांच हुआ? मतलब मेरा कहने का मतलब है कि इन लोगों ने टोटल 1,23,000 कराया, और जो पेपर पे जो इन लोगों ने स्क्रीनिंग कराई है वो 10 करोड़ से ज्यादा, और उसमें जो लक्षण पाए गए वो 4 लाख, यानी जिसको लक्षण हो भी रहा है उसकी भी जांच नहीं होती।
जिसका लक्षण पाया भी जा रहा है उसका भी जांच नहीं हो रहा। रैंडम टेस्टिंग तो दूर की बात है, ये डोर टू डोर सैंपलिंग कर रहे थे कथाकथित। तो इसमें बताएं मुख्यमंत्री जी कि आपकी क्या मजबूरी है, आप जो है टेस्टिंग नहीं करा पा रहे, आप पूरी तरीके से फेल रहे, क्या आपको नहीं पता? लगभग 4 लोगों को आया उनके स्क्रीनिंग में, आप उनका भी जांच के लिए करा पाए, क्या मजबूरी है? मुख्यमंत्री जी को यह बताना चाहिए। सरकार दावा करती है कि लगभग जो है 30 लाख से भी ज्यादा जो मजदूर जो है बाहर से दूसरे प्रदेश से बिहार आए, तो दूसरे प्रदेश से जो लोग बाहर आए घर लौटे हैं क्या उनकी जांच कराई गई, उनकी स्क्रीनिंग हुई है? तो नीतीश कुमार जी ये सवाल का जवाब देने से क्यों बच रहे और लगातार जो है वो 30 लाख लगभग जो आंकड़ा है 30 लाख जो मजदूर आए उनको जांच ही नहीं कराना, उनको रोजगार भी देना। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में ध्यान से सुनिए, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है जिसमें बिहार सरकार कहती है कि सभी लोगों का मैपिंग कर ले मजदूरों का। 30 लाख कितने दिन हो गए, अब तक कितना जिलावार कैंप लगा करके मैपिंग किया गया रोजगार उपलब्ध कराने के लिए? अब सुप्रीम कोर्ट जो है वो कह रही है मुख्यमंत्री जी को, बिहार सरकार को, कि जो लोग आए जितने लोग भी आए उनको आपको रोजगार देना पड़ेगा। तो माननीय मुख्यमंत्री जी घर में रहेंगे तो पूरा गुलजार ही लगेगा, पेपर पे जितनी चीजें देखेंगे, रिव्यू मीटिंग करेंगे, क्या कर रहे नहीं कर रहे पेपर पे, वो तो पूरा गुलजार लगेगा। तो मुख्यमंत्री जी उम्मीद करते हैं कि चंद ही किलोमीटर दूर है उनके वास्ते NMCH PMCH, वहां जाकर के व्यवस्था देखेंगे। आप देखिए वेंटिलेटर तो दूर की बात है, सवाल तो हमको पूछना चाहिए कि बिहार का अगर 12.5 करोड़ अगर आबादी है तो आबादी के अनुपात में कितने वेंटिलेटर होने चाहिए? लेकिन यहाँ डबल इंजन की सरकार ने आंकड़ा दे सकता कि कितने वेंटिलेटर की व्यवस्था यहाँ कराई गई है? क्या माननीय नीतीश कुमार और BJP के लोग लाशों के ढेर पर चुनाव कराएंगे? ये बड़ा सवाल उठता है कि लाशों का ढेर बिछा होगा और उसमें ये चुनाव कराना चाहेंगे। चंद किलोमीटर है, चले जाते हैं PMCH, जो ग्राउंड हकीकत है उसको वो जान लेते हैं, और आलिशान मकान में बैठ करके तो आपको तो हर चीज जो है गुजारी लगेगा। और इसमें रोजगार के बारे में मुख्यमंत्री जी बताए क्यों चुप्पी साधी हुई, क्यों नहीं लोगों का टेस्ट हो पा रहा? तो इन विषयों पे हम लोग चाहते हैं, क्योंकि संक्रमण जो है तेजी से बढ़ रहा है और बिहार सरकार जो है सबसे धीमी गति से जांच करा रही है, जांच हो